आप अपने शहजादा जी अपने किरदार के बारे में बताएं, शुभ शगुन में आप जो किरदार कर रहे हैं जी, और आज शादी का कोई सीक्वेंट शूट हो रहा है प्रोमो के लिए, या। इसके बारे में क्या कहेंगे, इतने बड़ी कास्ट है इस शो में। बोलूं मैं या वो आवाज़ आएगी पीछे से? नहीं नहीं बिल्कुल। या ऑलमोस्ट 20 से 21 लोग हैं हमारी कास्ट में। बहुत बड़ी फैमिली है शगुन की और बहुत बड़ी फैमिली है शुभ की, और शो का नाम है शुभ शगुन। तो शुभ की शादी होती है शगुन से, और शुभ की बहन की शादी होती है शगुन के भाई से। तो बेसिकली ये दो परिवारों का मेल है। तो शुभ का कैरेक्टर ऐसा है कि शुभ अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो मेरी सिस्टर है, यानी शुभ की जो सिस्टर है, वो शगुन के भाई से बहुत प्यार करती है। और हैप्पी गो लकी टाइम एंड वेरी एम्बिशियस, और अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, एंड शी कैन डू एनीथिंग फॉर हर फैमिली। आज शादी के गेटअप में आप बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू। नथिंग मिसिंग, मैं कभी मराठी दुल्हन बनी नहीं हूँ, पंजाबी दुल्हन, साउथ इंडियन दुल्हन, सब कुछ बन चुकी हूँ, बट आज मराठी भी बन गई हूँ, सो इट इज़ अ ग्रेट फीलिंग। मेरा नाम ब्रजेश तागी है शो में, शुभ शगुन में। He is the main antagonist and very classy guy, very suave. ऐसा कभी आपको लगेगा नहीं कि ये इंसान बुरा है, पर ज़रूर है तो बुरा। और it's a very very calculative kind of a guy. He's a very big businessman, बहुत rich हैं, लेकिन जो इसकी outer experiences हैं और वो जो ऐसा अंदर है, वो completely 360 degrees का उसमें अंतर है। So it's a challenging role for me because एक जगह पर you have to look like a different person and from inside have to behave like a different person. So it's a very challenging role and very excited. शुभ शगुन है हमारे लिए भी, बहुत अच्छा शुभ शगुन है, तो very excited about this role. Title बहुत catchy है जी, और क्यों देखना चाहिए आपको ये शो, के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? जी, आई थिंक द शो इज़ वेरी वेरी गुड, बी वेरी वेल डिज़ाइंड। जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैं जानता हूँ इस शो के बारे में, आई थिंक द ऑडियंस विल बी वेरी कैप्टिवेटेड विद द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स, क्योंकि जो जिस प्रकार की ये स्टोरी है, मैं ज़्यादा नहीं बता सकता आपको, लेकिन जैसी ये स्टोरी है, आई थिंक द ऑडियंस इज़ गोना फॉल इन लव, स्पेशली विद शुभ शगुन एंड ऑल्सो विद ऑल द डिफरेंट कैरेक्टर्स हु ब्रिंग द होल शो टुगेदर। सो आई डोंट वॉन्ट रिवील मच, बट आई थिंक द ऑडियंस विल फाइंड दिस वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी डिफरेंट। चेतन जी, आपने जो बाकी बहुत सारा काम किया टीवी में, फिल्मों में, तो इसमें जो किरदार है वो बाकी किरदार से अलग है कि कुछ मैच किसी से इंस्पायर्ड है रोल? जैसा ये कैरेक्टर है, आई डोंट थिंक आई हैव प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस। मैंने बहुत सारे नेगेटिव रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन हर नेगेटिव रोल में कुछ ना कुछ अलग हमेशा होता है। और ये वाले में जिस तरीके के इसके जो इसका बिहेवियर है, जिस कैरेक्टर का बिहेवियर है, एंड हाउ स्मार्ट, हाउ स्लाई, हाउ क्लासिली डज एवरीथिंग, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ अग्री टू डूइंग दिस, बिकॉज देयर समथिंग डिफरेंट, नॉट द रेगुलर बैड कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर आई हैव प्लेड। तो यही मुझे कुछ अपील करता है कि वेन एवर देयर इज अ रोल, समथिंग डिफरेंट हैज़ टू बी देयर, एंड आई रियली फाइंड के इस रोल में मुझे करने के लिए बहुत ज़्यादा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हम लोगों की बाइट ले रहे हैं। ये बताइए कि आपका जो किरदार है युग का जी, उस किरदार के बारे में कुछ और चलो जानकारी दीजिए। सर, ये जो किरदार है, ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जो कि बहन और भाई के ऊपर है, जो उनके रिश्ते के ऊपर है। जैसे कि बहन अपने भाई को कैसे बड़ा करती है, सारे मतलब बचपन से लेकर आज तक उसने उसी के लिए ही करा है जो करा है। और युग भी ऐसी है, युग ने बहुत मेहनत करी है, युग मतलब बल्ब जो है नेकेड बल्ब लगता है, कर रहा है कि अपनी बहन की मदद कर सके हर चीज़ के, जो भी चीज़ उसको चाहिए, और वो चाहता है अपनी बहन का अच्छा। क्योंकि को एक्ट्रेस के बारे में, उनके साथ अभी तक कोई शूट हुआ आपका? सॉरी, को एक्ट्रेस के साथ शूट किया आपने अभी? हाँ जी, अभी करा है मैंने, और कल भी प्रोमो शूट हुए थे, तो उससे अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मेरे को प्ले करने में मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि दंगल का सबसे बड़ा सुपरहिट सीरियल निकले, ये हम सभी के लिए अच्छा हो। अजय इधर आओ। सो पहली बार मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मैंने अब तक लाइफ में पहले नहीं किया। अब तक हमेशा बहुत ही सिंपल सोवर कैरेक्टर प्ले करके आई हूँ लाइफ में, लेकिन
ये बहुत ही ग्लैमरस है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही पॉजिटिव भी है एट द सेम टाइम. तो ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसीलिए मैंने ये शो लिया भी है. एंड दंगल का मैंने बहुत कुछ सुना था अब तक कि दंगल के शोज़ बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, बट मैंने पहली बार लिया है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली होप कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा. आपने इसके पहले बहुत सारे शोज किए हैं, तो अपने किसी शोज के बारे में एक्सपीरियंस बताइए, कैसा एक्चुअली बहुत हॉश पॉश में सब कुछ हुआ, बट एंड ऑफ द डे लुक बहुत अच्छा आया. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड मैंने इससे पहले ससुराल सिमर का किया है, अशोका किया है, और अशोका से मुझे मोस्टली लोग जानते हैं इंडस्ट्री में भी. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है, बहुत एक मतलब बहुत चीज़ें की हैं मैंने लाइफ में जो मैंने पहले शायद कभी नहीं की होंगी. तो बहुत वैराइटीज़ ऑफ रोल मैंने आज तक करती आई हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग है मेरे लिए, कि काफ़ी जो मेरी इमेज है रियल इमेज उससे काफ़ी अलग होगा ये. मैं एज अ पर्सन बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा परेशानी होने वाली आई एम श्योर, बट या आई एम वेरी हैप्पी एंड आई लव माई लुक. मैंने ये जो मेरी स्टाइलिश है उन्होंने मुझे ये दिया आज, एंड आई जस्ट स्टैंड. मैं तो बहुत खुश हूँ कि स्मिता जी के प्रोडक्शन हाउस में मैं काम कर रही हूँ. मैंने बहुत साल पहले उनके साथ काम किया था एक मराठी सीरियल में, और दिस इज़ माय सेकंड अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. शुभ शकुन में मैं राधा शिंदे का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि शगुन की चाची है. वेरी पॉजिटिव, वेरी जॉली एंड अच्छा कैरेक्टर, बहुत प्यारा कैरेक्टर है. एंड मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कह दिया, और राहुल प्रोडक्शन से कॉल आया था तो ऐसे करना ही है. टाइटल बहुत अच्छा है, कैची. टाइटल बहुत पॉजिटिव और बहुत कैची है. राइट, दंगल टीवी पे बहुत अच्छा यूनिक शो आ रहा है ये, और अप्रैल में टेलीकास्ट हो रहा है, तो इस शो का हिस्सा बनके कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा. दंगल टीवी के साथ कंटिन्यूटी कैरेक्टर मैं पहली बार कर रही हूँ, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, और बहुत अच्छा लग रहा है. और सारी टीम बहुत अच्छी है, सारे आर्टिस्ट बहुत कोऑपरेटिव है और अच्छे, सारे पॉजिटिव. मैंने तो मुझे टाइटल सबसे ज़्यादा पसंद आया है कि शुभ शगुन, ये बहुत पॉजिटिव और कैची टाइटल है जैसे आपने कहा. और लेट्स होप कि सब अच्छा ही होगा. अभी तक तो सब पॉजिटिव एंड अच्छे एनर्जी के साथ शुरू हुआ है, आगे भी ऐसे ही रहेगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आप सबकी विशेष है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं बिंदिया का किरदार कर रही हूँ, जो कि नेगेटिव है इस शो में. और उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि वो हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, दो फिल्में की हैं जो कि चली नहीं, जिस वजह से वो ये करियर छोड़ देती हैं और फिर किसी मल्टी बिलियनर से शादी कर लेती हैं. और अब घर के लफड़े शुरू होंगे, विच इज़ द स्टोरी दैट आई हैव बीन टोल्ड अबाउट माई कैरेक्टर. दैट्स अबाउट इट. शो का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, बट क्योंकि आप जानते हैं अभी हम फ्लोर पर गए नहीं हैं और ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती बिकॉज वी आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, सो आई कैन नॉट रियली रिवील मच. बट आई कैन से इट्स वेरी डिफरेंट, यूनिक एंड फन कॉन्सेप्ट. दीपानी जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि इसके पहले आपका कौन सा शो था जहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद किया आपके किरदार को? हर शो जो अभी तक किया है, हर शो के सेपरेट टाइप ऑफ फैंस होते हैं. आई प्लेड अ कॉप इन पुलिस फैक्ट्री इन सब टीवी, सो ऑल माई फैंस आर रियली यंग फ्रॉम दैट शो. देन द लास्ट शो दैट आई डिड वॉज अपना टाइम भी आएगा ऑन जी टीवी. देयर द फैंस वर वेरी डिफरेंट. किरदार तो वो हर कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई पसंद करता ही है, बट इफ़ यू आस्क मी माई फेवरेट इज कुमकुम भाग्य सिमोनिका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आप शुरुआत कर रही हैं? ठीक है. इस शो में मैं कनिका का रोल प्ले कर रही हूँ, जो बहुत पॉजिटिव है और वही संभालती है सबको. जो द मेन लीड द बॉय, उसको बड़ा करती है और बहुत प्यार करती है सबसे. और आई बिलीव दैट माय हस्बैंड हु इज़ प्लेइंग चेतन हंसराज, ही इज़ द नेगेटिव पर्सन इन द शो. बस इतना ही जानती हूँ. बुआ जी है ना? बुआ जी हूँ. हाँ, तो बुआ इज शुपा जी. हाँ, शुपा और बुआ हूँ. मैं
शगुन की बड़ी माँ हूँ और मेरा कैरेक्टर का नाम है अर्चना और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मतलब अंधविश्वास नहीं है मुझे पर पूजा पाठ में बहुत मानती हूँ और जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ एकदम, ये है तो ये ऐसा ही है, इससे आगे पीछे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। और शगुन के मम्मी पापा नहीं है और हमने ही उसे बड़ा किया है और हमारी फैमिली ऐसे तो बड़ी है, मेरे ससुर जी हैं, हस्बैंड हैं, फिर शगुन और युग के माता पिता नहीं हैं, उनसे तीसरे नंबर के भाई और भाभी है, मतलब तीन भाई और बहुएं हैं, तो मेरी और मेरी देवरानी की नोकझोंक चलती रहती है। पर जब कहीं परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी फैमिली एक साथ हो जाती है, तो एक बॉन्डिंग है बहुत प्यारा सा, महाराष्ट्रन फैमिली है, सो वेटिंग फॉर द बेस्ट। हाँ, सो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, different. मैंने वैसे कॉन्सेप्ट पे नहीं किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत खुशी है मुझे कि मैं इस कॉन्सेप्ट का भाग हूँ एंड वर्किंग विथ हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वी सी ईच अदर ऑन स्क्रीन, आई नो वी हैव नॉट मेट, वी हैव नॉट मेट एंड पहली बार हम साथ में काम कर रहे हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट और बहुत खुशी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत पॉजिटिव है एंड आई एम श्योर आवर शो इज गोइंग टू रॉक, यस एंड वी आर गोइंग टू मेक इट रॉक, यस 100%, इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट, थैंक यू।